हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड द सुपर ट्रिक टू आइडेंटिफाई पैरा मैग्नेटिक स्पीसी यूजिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप लोग जानते हैं जेई मेंस में और एडवांस में भी पैरा मैग्नेटिज्म है या डाई मैग्नेटिज्म है इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन एम ओ टी से रिलेटेड आ जाते हैं आपको स्पीसी दे देते दे हैं इस तरह की कि एन टू प्लस है ओ टू माइनस है ऐसे केस में पैरा मैग्नेटिज़म के लिए स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है तो उन स्पीसी को हम बोलते हैं पैरा स्पीसी और अगर, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो उनको हम बोलते हैं स्पीसी ओके तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड़ हैं तो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पीसीज़ को बोलते हैं पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखे बिना ही हम डायरेक्टली एक ट्रिक हमारे पास है जिससे हम डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक कौन है और डायमैग्नेटिक कौन है तो देखिए ये है वो ट्रिक ऑल द ऑड इलेक्ट्रॉन टेन एंड सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पीसी विल बी पैरामैगनेटिक ऐसी कोई भी स्पीसी जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हैं या टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल या सिक्सटीन है ऐसे केस में वो हमेशा पैरा होंगे इसके अलावा जो भी बचे वो सारे के सारे क्या होंगे डाए होंगे ओके okay? अब एक क्वेश्चन हम करते हैं इस क्वेश्चन में पहले दो तीन पार्ट मैं कराऊंगा आपको और बाकी सब आप खुद सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आयंस और बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है जैसे H2 टू प्लस एच टू एच टू माइनस एल आई टू ओके एल आई टू माइनस बी टू बी टू माइनस तो इसमें आपको इनमें पैरामैरिटिक्स पीसीज को आइडेंटिफाई करना है जैसे देखो एच है तो हर एक हाइड्रोजन आइटम के पास दो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दो हाइड्रोजन आइटम के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एच पास एक ही होगा अगर एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो वह अनपेयर्ड ही होगा वो पेयर तो हो ही नहीं सकता तो ये जो पहली स्पीसी है वो क्या है पैरा मैग्नेटिक है आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे दो आएंगे दो आएंगे तो मतलब पेयरिंग हो जाएगी और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी नहीं है तो दि दिस विल बी डाए मैग्नेटिक स्पीसी इसके बाद एच टू माइनस की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तीन हो जाएंगे दो तो हाइड्रोजन एटम से और एक नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा होगा तो टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन हुए हैंस दिस विल बी पैरा मैग्नेटिक्स पी आइए बात करते हैं एल आई टू के बारे में लिथियम में एक लिथियम में इलेक्ट्रॉन तीन होते हैं दो में होंगे टोटल छः छः का मतलब दैट इज़ इवन तो इस केस में सब पेयरिंग पॉसिबल होगी तो दैट विल बी डाया मैग्नेटिक अच्छा इसमें एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ जैसे बी टू की बात करते हैं बी टू के अंदर जब हम फिलिंग करेंगे तब हमको रियलिटी पता लगेगी बाकी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हैं टेन और टेन इलेक्ट्रॉन्स में भी मैंने बताया था कि इस विल बी मैग्नेटिक दिस विल बी पैरा मैग्नेटिक तो इस बात का ध्यान रखें अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो क्वेश्चन है इसमें हर एक स्पीसी को बताइए कि पैरा मैग्नेटिक है या डाय मैग्नेटिक है ओके आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा तो आइए देखते हैं सबसे पहले देखते हैं एल आई टू माइनस को एल आई टू माइनस में देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तीन तीन छः और माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और होगा हैंस टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हैंस द फीसी विल बी पैरा मैग्नेटिक बी टू माइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे एलेवन हैंस दिस विल ऑल्सो बी पैरा मैगनेटिक C2 की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 12, 12 का मतलब दस पी सी विल बी डाई मैग्नेटिक सी टू माइनस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 12 की बजाय 13 देन इट विल बी पैरा मैग्नेटिक यहाँ हो जाएंगे 14, सो दैट विल बी डाई एन टू की बात करें तो एन टू में टोटल सेवन प्लस सेवन इलेक्ट्रॉन फोर्टीन है सो दैट विल बी डाय मैगनीटिक एन टू माइनस की अगर बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए फिफ्टीन तो दैट इज़ इवन हैंस इट इज़ ऑल्सो डाई मैग्नेटिक अगर हम बात करें एनो की तो एनओ के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सेवन यहाँ से हुए आठ यहाँ से total हुए टोटल हुए पंद्रह सो दैट विल बी पैरा मैग्नेटिक स्पीसी ओके सो एनवासटेबल भी होता है बहुत जल्दी डाई मैग्नेटिक स्पीसी में कन्वर्ट हो जाता है एन टू टू माइनस की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है और जैसा कि मैंने बताया था 16 इलेक्ट्रॉन आते ही ध्यान रखिए दैट विल बी पैरा मैग्नेटिक डिस्पाइट हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओ टू टू प्लस में अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एट एट सिक्सटीन और दो माइनस करेंगे तो फोर्टीन बचेंगे सो दैट विल बी डाई मैग्नेटिक ओ टू प्लस की अगर हम बात करें पंद्रह इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट विल बी पैरा मैग्नेटिक अगर हम ऑटो की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होंगे और जैसा कि मैंने बताया है 16 इलेक्ट्रॉन में भी जो स्पीसी होती है वो क्या होती है पैरा मैग्नेटिक सो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसमें आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पैरामैग्नेटिज्म से आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर पाएंगे आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू